मुनव्वर फारूकी बनने वाले हैं बिग बॉस किंग। सोडा, मन्नारा, अंकिता लोखंडे और बाबू भैया को कंपटीशन में पीछे। वेल, सलमान खान का कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 17 इस वक्त काफी ज्यादा लाइमलाइट में बना हुआ है और इस वक्त दिवाली का सेलिब्रेशन जो है वह बिग बॉस के घर के अंदर भी करा जा रहा है और ये देखने को मिल रहा है कि वीकेंड के वार में कंटेस्टिंग दिवाली सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अभी मेकर्स ने कंटेस्टेंट्स के बीच में एक और कंपटीशन करा दिया है जो कि है बिग बॉस किंग और बिग बॉस क्वीन का। कंटेस्टेंट्स का हैशटैग जितना ज्यादा यूज किया जाएगा वो बनेगा बिग बॉस किंग या बिग बॉस क्वीन ऑफ द हाउस। ऐसे में मुनव्वर फारूकी जो है इस वक्त अंकिता लोखंडे, मन्नारा चोपड़ा, अनुराग डोभाल और अभिषेक और घर के बाकी सारे कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़कर जो है नंबर वन पर बने हुए हैं। मुनव्वर फारूकी के नाम के हैशटैग जो है इस वक्त सबसे ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन है वो टॉप 5 कंटेस्टेंट जो इस रेस में शामिल है। मुनव्वर फारूकी जो है वो इस रेस में नंबर वन पर है और हैशटैग मुनव्वर इज द किंग जो है 119,000 बार ये हैशटैग यूज किया गया है। और बात करें अगर अनुराग डोभाल की तो हैशटैग बाबू भैया इज द किंग 108,000 बार ये हैशटैग यूज किया गया है। बिग बॉस क्वीन मन्नारा 1.1K बार यूज किया गया है। वही बिग बॉस क्वीन अंकिता लोखंडे 1.1K बार यूज किया है और बिग बॉस किंग अभिषेक 675 बार यूज किया गया है। ऐसे में मुनव्वर फारूकी जो है वो कल से अभी तक इस रेस में अनुराग डोभाल को भी पीछे छोड़कर 1 नंबर पर बने हुए हैं। लेकिन हमेशा ये देखा गया है जैसे ही जैसे रिजल्ट का टाइम नज़दीक आने वाला होता है अनुराग डोभाल के ट्वीट्स और हैशटैग यूजेज में काफ़ी बड़ा इजाफा देखने को मिलता है। इसे देखने के बाद मुनव्वर फारूकी के फैंस जो हैं वो अनुराग डोभाल पर बॉट्स यूज करने तक का इल्जाम लगा चुके हैं। मतलब आपके हिसाब से कौन बनने वाला है बिग बॉस का किंग या फिर क्वीन, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।